इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। मैं अनिल आनंद, ब्रज प्रांत मेला संयोजक हूँ। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ये सत्तू का आयोजन किया गया। ये एक ऐसा पदार्थ है जो आज विलुप्त हो रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ाव है। ये एक भरपूर प्रोटीन मात्र जल वो है जिसके सहारे हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं, और ये हमारे सुबह के नाश्ते के अंदर सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार के रूप में लिया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जन साधारण को ये मालूम पड़े कि हमारे संस्कृति के अंदर हमारी कितनी अच्छी ये पदार्थ उपलब्ध है जिसका आज विलुप्त होते जा रहा है, हम दोबारा उसको आगमन करना चाहते हैं। हाँ जी, आप क्या अपील करेंगे उन संस्थाओं से? उन संस्थाओं से हम अपील करेंगे कि ये जिसके कीमत बहुत कम है ये लोगों तक पहुँचाए, और मैं तो चाहता हूँ कि लोग फ्री में आगे आके लोगों को ये इसका अनुभव करवाएं कि ये सत्तू जो है आपके कोकोला और विदेशी ब्रांड से बहुत अच्छा है। मेरा नाम अनुज अशोक है, मैं स्वदेशी जागरण मंच जिला इकाई का संयोजक हूँ। आज अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों ने ये सत्तू वितरण का कार्यक्रम किया है, जिसमें नमकीन और मीठा दोनों तरीके के पेयजल हैं। ये पेयजल भारतीय पेयजल हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जितने भी तरीके के पैक्ड पदार्थ होते हैं जिनको पी के कुछ आनंद नहीं आता ना ही सेहत बनती है, ये वो पेयजल है जिससे आनंद भी आता है और सेहत भी बनती है। इसका प्रमोशन हमारे को पूरे भारतवर्ष में करना चाहिए। ये भारत का पेयजल है जिसको हम भूल गए हैं, और हमने पिछले 8 सालों से ये कार्यक्रम निरंतर चालू किया हुआ है और आगे भी हम इसे चालू करते रहेंगे। और आपसे ये अनुरोध है कि आप इसे इतनी दूर तक पहुँचाएं कि इसको पेयजल से रिप्लेस कर दिया जाए। ये नहीं, ये आज के ही दिन का ही प्रोग्राम है, लेकिन हम इसे हर महीने के लिए प्रकल्प में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ बने कि ये दूर तक जाए। जितने भी विदेशी पेयजल हैं जैसे कोको कोला, थम्सअप, इनका रिप्लेसमेंट इस पेयजल से आराम से किया जा सकता है, और ये खाने का रिप्लेसमेंट भी है। अगर इसे आप पूरे दिन में सुबह इसे ले लेते हैं 4 से 5 ग्लास, तो आपको पूरा दिन तक भूख भी नहीं लगेगी, और ये गर्मियों में आपको पूरी तरीके से ठंडक देता है, इसलिए इसका प्रमोशन हम सब लोगों को करना चाहिए। आगरा का आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, और हमने स्वावलंबी भारत अभियान और अपने प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मिलेट्स का उन्होंने एक शुरू किया है कि मोटे खाद्य पदार्थ जो हैं, उसके अंतर्गत हमने ये सत्तू के वितरण का लगभग 5 से 8 सालों से हम ये वितरण करते हैं लगातार अक्षय तृतीया वाले दिन। और आज क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, तो आज ये सत्तू पीने से क्या है, पूरी गर्मी हमारा पेट जो है शांत रहता है, इसमें गर्मी के प्रकोप से बचने में वो सहायता मिलती है। और हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय परंपराओं को माने और भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा दें, जिससे कि हम जल्दी ही एक विश्व शक्ति बन सकें। जय भारत। तो देशी जागरण मंच का मैं कोष प्रमुख हूँ ब्रज प्रांत का, और स्वावलंबी भारत अभियान में ब्रज प्रांत का समन्वयक हूँ। और स्वदेशी जागरण मंच पिछले 8 साल से सत्तू का आयोजन करता रहा है, सत्तू शरबत पिलाने का अक्षय तृतीया के दिन। आज हमारा स्टॉल जो है वो स्पीड कलर लैब संजय प्लेस के सामने लगा है, जहाँ हमारा टारगेट है 5000 गिलास सत्तू पिलाने का, और ऑलमोस्ट हम अपने टारगेट को कवर करने में अब कंप्लीशन पे आ गए हैं। सुबह 8:30 बजे से सत्तू पिलाया जा रहा है और नॉन स्टॉप ये काम अवेलेबल जारी है। और सबसे उपलक्ष्य की बात यह है कि 5000 गिलासों में से 1 गिलास आपको सड़क पे जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश को साफ रखें, जनता को जागरूक करें, और समाज के अंदर अपने हिंदू रीतियों के, सनातन धर्म की चीजों को आगे बढ़ाते रहें। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।